और पूछ ले उनसे, तो नकली तो तुम हो, भैरू सिंह जी से जाके मिलो ऊपर, उनसे कहो कि आप नकली हो, तब पता चल जाएगा सारा। मतलब कछावा वंश के क्षत्रिय यदि राम के वंशज है, वो खुद अपने यहाँ पे किसी का राम के कछावा वंश के क्षत्रिय का फोटो देते हैं, उसके नीचे लिखते हैं क्योंकि मैं बोलता हूँ राम के वंशज, इसलिए डर के मारे उनके नीचे लिखते हैं राम के वंशज। पहले तो नहीं लिखा तुमने, अब तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए। इसलिए बीजेपी को बताना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आज भी, हमारे केंद्र के कामों की बात होती है तो लोग आज भी कहते हैं ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट गेहूँ मिल रहा है ये मनमोहन सिंह सरकार की देन है, फूड गारंटी कानून हम लेकर आए, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून, इसलिए आज सबको घरों में 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूँ मिल रहा है। ये गेहूँ कौन दे रहा है, ये कांग्रेस सरकार की योजना है। ये राइट टू एजुकेशन, शिक्षा की अनिवार्यता का कानून, बड़े स्कूलों में राइट टू एजुकेशन, RTE में जो बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं गरीब बच्चों के, ये कांग्रेस सरकार की देन है। राइट टू वर्क, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, नरेगा, ये कांग्रेस सरकार की देन है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था इसकी इमारत बड़ी धूमधाम से हम निकालेंगे, और वो आज भी चल रही है गांव गांव में। इसीलिए तो गांव और शहर में झगड़ा नहीं, लोगों को रोजगार मिलने लगा। राइट टू इंफॉर्मेशन, जिस कानून को इन्होंने कमजोर कर दिया, बीजेपी के लोगों ने कमजोर किया, राइट टू इंफॉर्मेशन भी हम ही ने लागू किया। ये सारे कानून हमारे लागू किए हुए, इन्होंने तो एक कानून बनाया, ये लेकर आए अभी नया, जब ये सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट लेकर आए तो 1.5 साल तक हमने वो मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं किया, उसमें इतने टैक्स लगा दिए, इतना ज्यादा चालान के रेट बढ़ा दी, जो हमको कम करनी पड़ी राजस्थान सरकार को, जो मैं कम कर सकता था उतनी मैंने उस वक्त की। आज तो मैं फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर हूं, मेरे पास ट्रांसपोर्ट था, और हमने 1.5 साल तक उसको लागू नहीं किया। इनकी नीयत लोगों की जेब काटकर अपना खजाना भरने की है, और धर्म के नाम पर बिल्कुल मार्मिक रूप से अटैक करके सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक रूप से गलत एजेंडा पेश करके वोट लेने की है। बीजेपी के इस षड्यंत्र से जनता सावधान हो चुकी है। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बीजेपी जो नए नए वीडियो चलाती है, कुछ में कोशिश की गई, मंदिरों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अचानक, अब मैंने मंदिरों के पुजारियों से रिक्वेस्ट की, अपने अपने मंदिरों में रात को ताला लगाओ, ये बीजेपी के लोग घूम रहे हैं, बीजेपी कार्यालय में बैठकर रणनीति बनाते हैं, और जहाँ पे मूर्ति टूटती है पहले ये देखो कि वो कौन तोड़ रहा है, वो बीजेपी का कार्य, वो बीजेपी के नेता लोग ही करवाते हैं सब काम, कि जैसे दंगा फसाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, और सारा नाटक एजेंडा। तो भाई आप अपने काम पे लड़िए ना, आप क्यों इस एजेंडे पर आ गए वापस, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक एजेंडा है और आप उस एजेंडे पर काम करना चाहते हो। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सनातन धर्म को मानता है, प्रताप सिंह खाचरियावास सनातन धर्म को मानता है, आप कैसे ये बात कह सकते हैं, आपको किसने चार्ज दिया और आप होते कौन है, इस तरह की भाषा बोल के बार बार तुष्टिकरण तो तेरा खुद का हो गया, क्योंकि तो आप खुद बेईमान है।